ट कंटिन्यू अवर डिस्कशन द पार्ट ऑफ हेमरेजिक स्पर्ट्स नो विल सी वट आर दी सेफ एनर्जा गिव हम जो परपरा में सेफ एनर्जा क्या कह सकते हैं एक तो हमारे पास कोडीन है और पैरािटाम है दे आर दी सेफ दे डो नॉट अफेट द्रेटर नंबर पर भी असर नहीं होता है और फंक्शन में भी कोई असर नहीं होता है कोडन और पैराटामल देने से तो ये सेफ है पेशेंट को जिनको परपरा है को, कोडीन और पैराटाम अब देखा है कि क्रिटिकल प्लेट काउंट क्या होता है क्रिटिकल पेलट काउंट होता है ट्वेंटी थाउजेंड और वैसे जैसे ही ट्वेंटी थाउजेंड से नीचे किसका प्लेट काउंट जाता है उसे स्पॉन्टेस हमरेज किसी भी वाइट आर्ग में होने का रस्ट रहता है जैसे ब्रेन में जैसे हम इंटर सेलर हैज कहते हैं या बॉडी के किसी भी पार्ट में जिससे लाइव पेशेंट की इंडेंजर हो जाता है और इन पेशेंट को जिनका क्रिटिकल प्लेटलेट काउंट होता है इनको प्लेटलेट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ता है अब रिसेंटली हेमेटोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जो ये जब क्रिटिकल प्लेटलेट काउंट जो होता है वो टेन हो थाउजेंड होता है इसके नीचे अगर प्लेटलेट काउंट होगा तो रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग का बढ़ जाएगा अब बात करते हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर से वट डू यू मीन बाइ ब्लीडिंग डिसऑर्डर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है या तो कोगुलेशन डिसऑर्डर की वजह से या प्लेटलेट डिसऑर्डर की वजह से प्लेटलेट डिसऑर्डर प्लेटलेट का नंबर कम हो सकता है या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है प्लेटलेट के या फिर वेसल वाल की कोई एबनॉर्मलिटी है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है अब इसके लिए हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हिस्ट्री करेंगे लेंगे एग्जामिनेशन करेंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे डायग्नोस करने के लिए कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है डिडर ये कोगुलेशन डिसऑर्डर है या प्लेटलेट का डिसऑर्डर है या वेसल वैसेल का एबनॉर्मलिटी है तो यह देखते हैं कि कोगुलेशन डिसऑर्डर कौन कौन सा होता है पास होता है हमोफी क्रिसमस डिजीज अब कोगोलोल डिसऑर्डर में होता क्या है इसमें मेल्स में ज्यादातर है देखा जाता है और इसमें फैमिली हिस्ट्री हमेशा पॉजिटिव आती है क्योंकि इनमें लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है और ये अब्लिक ट्रांसमिशन होता है जिसमें अंकल्स और नेफ्यू अफेक्टेड होते हैं और इसमें लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री रहता है कोगुलेशन डिसऑर्डर में और इसमें ब्लीडिंग होता है मेजर और में रेट्रोपेरिटोनियम स्ट्रक्चर में मसल्स में ब्लीडिंग हो गया तो काफ इन्वॉल्व हो सकता है स्वास्थ मसल्स और टंग इन्वॉल्व हो सकता है जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो गया तो हीमार्थ्रोसिस होता है हमोफीलिया के पेशेंट्स में जो कि कर्रैक्टिस है इसके बाद परपुरा रेयर होता है इन पेशेंट्स में क्लोगुलेशन डिसऑर्डर के पेशेंट उसके बाद ब्लीडिंग नो से हो सकता है माउथ से हो सकता है जे ए हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्स ट्रेक्स होता है वाउंड से हो सकता है और सबको टिश्यू में ब्लीडिंग हो सकता है और ये ब्लीडिंग कभी कभी काफी घंटों के बाद स्टार्ट होती है आफ्टर ट्रोमा या किसी सर्जरी के बाद सर्जरी इन दी फॉर्म ऑफ इसमें इंड्यूज या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता है सर्जरी में और ये परसिस्ट रहता है ये ब्लीडिंग नॉट परफ्यूज इट रिमेंस परसिस्टेंस अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर से ब्लीडिंग किसी को हो रहा होगा वो काफी देर तक परसिस्ट रहता है और इसमें लोकल प्रेशर भी अप्लाई करने पे ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है और इसमें स्प्लेनो वैली हमें नहीं मिलता है और इसमें ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है लेकिन क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है कोगुलेशन डिसऑर्डर में इसके अलावा प्लेटलेट काउंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है कोगुलेशन डिसऑर्डर में और एक्वायर्ड कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है वो हमें विटामिन के की डिफिशेंसी से या फिर ओरल एंटी कोगुलेशन थेरेपी में देखने को मिलता है कोगुलेशन डिसऑर्डर अब बात करते हैं प्लेटलेट डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं तो प्लेट डिसऑर्डर्स देखते हैं क्या हिस्ट्री रहती है प्लेट डिसऑर्डर का पेशेंट को हिस्ट्री रहती है कि वो ड्रग इंटेक है किसी चीज का जैसे वो एस्पिरिन ले रहा है इसके अलावा जो प्लेटलेट डिसऑर्डर में ब्लीडिंग होता है वो होता है लाइकली नीमकस मैम जैसे गम्स ब्लीड हो गया नो से ब्लीड होगा गया जैसे पेस्ट्रेक्स कहते हैं स्किन में उनको पेटेक के पर या पर्रोज हो सकते हैं बक्कल मकोजा में ब्लीडिंग हो सकता है पर वेजाइन ब्लीडिंग हो सकता है ब्लीडिंग जी एड ट्रेक्स हो सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हो सकता है सुपरफिशियल फेशियल में ब्लीडिंग हो सकता है ब्लीडिंग जो ये होता है इमीजिएटली हो जाता है जैसे ट्रोमा या सर्जरी का इमिजिएटली हो जाता है ब्लीडिंग और इसमें लोकल प्रेशर लगाने से ब्लीडिंग रुक भी जाता है अगर किसी को प्लेटलेट की की डिसऑर्डर वजह से ब्लीडिंग हो रहा हो और इनमें स्पिनोम भी देखने को मिलता है और इसमें ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग मिलता है बट क्लॉटिंग टाइम बिल्कुल नॉर्मल रहता है प्लेटलेट डिसऑर्डर में और इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट का काउंट कम होता है जो कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में देखने को मिलता है इसके अलावा प्लेटलेट का नंबर नॉर्मल भी रह सकता है जैसे कि जिसको हम थोड़ा कहते हैं तो जो 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 जब प्लेट का नंबर नॉर्मल होता है इसमें क्वालिटी डिफेक्ट कहते हैं इसको प्लेटलेट के इसमें एडिशन का डिफेक्ट हो सकता है प्लेटलेट एडिशन नहीं कर एडिशन नहीं कर पा रहे हैं जैसे वन बिली ब्रांड डिजीज में बर्न और सोलियर सिंड्रोम में इसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पा रहे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं जैसे कि ग्लास मैन थ्रोमेस्थीनिया में यूरिमिया में एस्प्रीन में तो ये थे कुछ प्लेट है इसके बाद वैसेल वॉल डिसऑर्डर होते हैं ये वॉल डिसऑर्डर ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसमें पिटी के पर पूरा रिकरेंट ब्लीडिंग सिंगल साइड पे होते रहती है अगर बॉल का अब नॉर्मल सिंगल साइड में बार ब्लीडिंग होता है के पर पूरा होता है इसके अलावा ब्लीडिंग इमीडियटली होती है या सर्जरी के बाद और इसमें भी लोकल प्रेशर लगाने में ब्लीडिंग रुक जाता है और इसमें स्पीनों नहीं मिलेगा ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल भी हो सकता है एलिवेटेड भी हो सकता है लेकिन क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल रहेगा और प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल रहेगा इसके बाद अगर किसी को पर्पल स्पॉट्स होते हैं तो उसे ब्लॉंचंग रिएक्शन देखना चाहिए हमेशा क्योंकि पर्पल स्पॉट में ब्लाच नहीं हो पाता है स्किन स्किन ब्लाच नहीं होता पर्पल परपर्क स्पॉट्स में और हमें हैस कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट जिसे टॉर्नेटेट टेस्ट भी कहते हैं हमें परफॉर्म करना चाहिए जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थर्मोसाइटोपेिकॉ